लाख मुश्किल मगर दामन में खुशियाँ। चार दीवारों में देखी है दुनिया, हाथों से छूटे हालात की डोरी, लेकिन न खुले विश्वास की मुठियाँ। कत्ल छोटी लड़की की इस बड़ी तुकबंदी को आज की जुबान में रैप कहते हैं। पुराने दौर के लोग शायद इसे अतरंगी गाना कहते हो, नाम चाहे जो हो, लेकिन 15 साल की नन्ही सानिया मिस्त्री ने रैप से इन दिनों सोशल मीडिया पर फुल टू धमाल मचा रखा है। हर तरफ ही बुराई, इंसानियत भी जिंदा, टूटती जंजीरें हैं हाँ उड़ता परिंदा, बढ़ाते खौफ झूठ का सच्चाई क्यों शर्मिंदा, ये दिखाते डायमंड चेन पर डालते हैं फंदा, हजेब में आइटम बम और दोस्ती की धारी, हर कोई शिकारी यहाँ चेहरे पे चेहरे, हकीकत पे भारी, हर रैप ये मेरा अभी सच्चाई पे जारी। हाँ मैं सच्ची बता रही है, जिंदगी बेकार जो हर लम्हा अत्याचार जो ये चढ़ रहा बुखार। अचानक सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाली सानिया मुंबई की तंग गलियों का हिस्सा है। मुंबई में गोवंडी शिवाजी नगर की इस तंग हाल गलियों में सानिया का भी अपना छोटा सा घर है। पिता ऑटो चलाकर घर चलाते हैं, लेकिन बस गुजर हो रही है। अब बेटी रैप के जरिए जिंदगी की तंग हाली को दूर करना चाहती है। तो कुछ ऐसा था कि उन्हें पता ही नहीं था कि रैप क्या होता है, तो मैंने बताया रैप एक पोएट्री टाइप है जो कि रिदम में होता है, ये हिप हॉप का एक पार्ट है। मैंने अम्मी को सब समझाया तो मुझे घर से सपोर्ट मिला कि हाँ मेरी बेटी बाउंड्रीज पार करने जा रही है, जो चाहती है वो कर पाएगी। और मेरी अम्मी ने बहुत ज्यादा, मेरी अम्मी, मेरे पेरेंट्स, मेरे अब्बा मेरा बहुत सपोर्ट किया। 15 साल की सानिया मुस्लिम समुदाय से है, गरीबी के साथ समाज की पाबंदियां भी है, लेकिन इन सब के बावजूद सानिया रैप के सहारे जिंदगी की कामयाबी की मिसाल पेश करना चाहती है। सानिया अपनी स्कूली पढ़ाई भी करती है और अपने दोस्तों के साथ रैप भी करती है। 8th स्टैंडर्ड से मैंने अपना फर्स्ट रैप लिखा, जो कि मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप था, वो गा रहे थे रैप और वो बहुत फास्ट फास्ट गा रहे थे, एंड आई वाज लाइक कि क्या बोल रहे हो तुम लोग एक रिदम में। तो मैंने उनकी लिरिक्स पढ़ी जब उन्होंने लिख के लाए थे एक बुक पर, तो मैंने ट्राई किया कि मैं भी लिखूं, लेकिन उतना फास्ट तो मैं नहीं लिख पाई, मतलब उतना फास्ट नहीं बोल पाई। हैदराबाद की सानिया मिर्जा ने टेनिस में अपना मुकाम हासिल किया, अब मुंबई की सानिया रैप में अपना मुकाम हासिल करने की जद्दोजहद में है। सानिया के जहन में रैप इस कदर हावी हो गया है कि वो चलते फिरते बोलते चालते हंसते मुस्कुराते सिर्फ रैप ही करती है। जब कोई चीज जहन पर हावी हो जाए तो कामयाबी के सर चढ़कर बोलने में देरी नहीं लगती। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर और हितेंद्र पवार के साथ राहुल शुक्ला की रिपोर्ट। तू चुपचाप सा होगा ना कमाई किताब, अधूरी सी बातें अधूरे से ख्वाब, सोच सोच अपने।